दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी 40 साइज की प्रोटीन कटिंग कैसे करते हैं। ये मैंने ड्रेस मटेरियल लिया है, ये कुर्ती के लिए है, ये सलवार के लिए। तो सबसे पहले आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, उसके बाद सलवार की कटिंग। अभी मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको हम जो इसकी लंबाई है उसमें कट नहीं कर रहे हैं, जो ये इस तरह से जो इसका अर्ज है, जो पन्ना है, हम उसमें कटिंग कर रहे हैं कि जो डिजाइन है उसी के हिसाब से है। तो जो ये डिजाइन है इसको सेंटर में लेना है, फ्रंट पीस में। तो जो डिजाइन हम सेंटर में फोल्ड करेंगे, जैसे ये डिजाइन है ये सेंटर में ना फोल्ड कर। ये डिजाइन है इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर दिया। तो हमें जो सबसे पहले फ्रंट पीस करता है, जो कुर्ती की लंबाई है वो 38 इंच। 38 इंच में हमने 2 इंच प्लस कर दिया, जो कि स्टिचिंग मार्जिन देगा शोल्डर पे भी और नीचे भी। तो 14 इंच में निशान लगाते हैं, शोल्डर है 14 इंच, तो इसमें 7 इंच रखेंगे। इसको हम लो नेक बना रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा शोल्डर नहीं रखेंगे। ये मैंने 7 इंच लिया है, और जो मोटे रखेंगे वो 6 इंच रखेंगे। साइज है 40। जब हम तैयार रखेंगे तो 10 इंच आएगा, इसमें 2 इंच प्लस कर देंगे ना 12 इंच। आप कोई भी साइज कट करते हैं इसमें 2 इंच प्लस कर। ये मुड्डे से लेके 13.5 है, हम इसका हिप का साइज का पॉइंट देंगे 13.5 इंच। शोल्डर से लेके 15 इंच है वेस्ट का साइज, वेस्ट है 38 इंच। जब हम तैयार रखेंगे तो 9.5 इंच आएगा, 2 इंच में प्रेस करते हैं 11.5 इंच। सेम ड्राफ्ट में कट करेंगे। जो हमने हिप साइज का पॉइंट दिया है, यहाँ से भी स्ट्रेट कुर्ती कट करना है, तो सेम स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जैसे फ्रंट पीस कंप्लीट हो गया है, सेम ड्राफ्ट करके बैक पीस कट करेंगे। जैसे मैंने फ्रंट पीस कट कर लिया था, सेम ड्राफ्ट करके ये बैक पीस भी मैंने फोल्ड कर लिया है। जितना मुझे चाहिए था उतना ही लिया है, बाकी का स्लिप लेयर को टच करेंगे। तो मैं सेम ड्राफ्ट में भी इसको कट कर। ये दोनों पीस कट कर लिए, तो ये फ्रंट पीस है, तो इसको हम पहले बैक पीस का नेक कट करते हैं। बैक में के 7 इंच तैयार है, हम 7.5 इंच रखेंगे। मैंने 7.5 इंच में निशान लगाया, यहाँ से 2.5 इंच में इस तरह से निशान लगाएंगे। शोल्डर से भी 2.5 इंच, सेम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब इसको राउंड शेप देना है, तो इसमें 1 इंच की गोलाई देंगे। बैक पीस कंप्लीट हो गया, अभी फ्रंट में कट करते हैं। जो फ्रंट की लेंथ है 6 इंच तैयार में, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 6.5 इंच, सेम 2.5 इंच।
बाद में मिस होने वाली है। अब इसमें आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, जैसे मैं इसको स्वीट हार्ट शेप में डिजाइन दे रही हूँ। तो ये ऊपर से हम 4 इंच रखेंगे, जैसे 4 इंच पे यहाँ पे एक पॉइंट लगा, और ये जो हमने पॉइंट दिया है इसको इस तरह से क्रॉस में मिस होने वाली है। तो हमारा ये नेक इस तरह से आएगा, सेम ड्राफ्ट का कट करेंगे। जैसे फ्रेंड ने कंप्लीट है, अभी जैसे मुड्डे हैं तो यहाँ पे 1/2 इंच में एक्स्ट्रा कट कर दूँ। जो हम ये एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हैं ओनली फ्रंट पीस में करना है, बैक में नहीं करना है। अभी स्लिप कट कर, ये साइड का जो बचा हुआ कपड़ा है इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब इसको फोर फोल्डिंग वाला टू स्लीव एक साथ कर लेंगे। स्लीव लेंथ तैयार में 6 इंच चाहिए, इवन 7 इंच ले रहा है, 1/2 इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगा, 1/2 इंच सोल्ड जाएगा। जो इसकी चौड़ाई लिया क्लॉथ की मैंने 10.5 इंच रखा है, 10.5 इंच। अब ये सेंटर है तो यहाँ पे एक पॉइंट देंगे सेंटर में, ऊपर से 3.5 इंच में यहाँ पर मुड्डे की कटिंग करेंगे। इसकी जो गोलाई है वो 14 इंच है, तैयार में 7 इंच आएगा, और इसमें हम 2 इंच प्रेस कर दे रहे हैं, 9 इंच। इस तरह से हम निशान लगाएंगे क्रॉस में, सेम ड्राफ्ट का कट करेंगे। शोल्डर का जो सेंटर पॉइंट है यहां पर भी कट करेंगे। अब ये क्लॉथ मैंने इस तरह से उल्टा रखा है, ये वन स्लिप ये दूसरा से, दोनों पीस मैंने उल्टे रखे। तो अभी मैं इसमें आगे की एक्स्ट्रा कटिंग बताती हूँ। अभी 1/2 इंच में इसमें एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो यहाँ से नीचे से जब भी एक्स्ट्रा कटिंग करें 2.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग करें इस तरह से। ये दोनों पीसों को अलग करते हैं। इसलिए हमारी तैयार हो गई। जिसमें मैंने नेक कट किया था ये ड्राफ्ट हो गया नेक का, सेम ड्राफ्ट रख के हम इसमें नेक के लिए पट्टी तैयार करेंगे, और सेम पट्टी हम बैक साइड के लिए भी कट करेंगे। अभी जैसे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है डबल फोल्ड में, और सेम ड्राफ्ट को मैंने ये जो कटिंग कर रही हूँ ये मैंने क्लोज हिस्सा रखा है, क्लोज हिस्सा की तरफ से कट करेंगी, जो कि जो मेरा नेक है वो सेंटर में जॉइंट नहीं आएगा इसमें, और सेम ड्राफ्ट पे इसको कट करेंगे। और इस पट्टी को 1.5 इंच चौड़ी रखेंगे। सेम ड्राफ्ट का कैनवास कट करेंगे। जैसे ये बैक पीस है नेक का, सेम इसको इस तरह से कट करेंगे। इसको भी 1.5 इंच रखेंगे। सेम ग्राफ को रख के कैनवास कट कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी सिलाई के बारे में बता दें, जैसे ये नीचे मैंने बैक पीस रखा है, ऊपर ये फ्रंट पीस है, और जैसे मैंने ये पट्टी कट करनी है तो आप इसको कैनवास लगा के पट्टी भी तैयार कर लें आगे पीछे दोनों पट्टियों को, उसके बाद आप इसको नेक पर इस तरह से अटैच कर।
ये सीधा है तो आप उल्टा इसको इस तरह से रखें, इसको रखने के बाद इसको पलटते हैं ऐसे ही आगे पीछे दोनों पीस तैयार हो जाने के बाद आप शोल्डर से जॉइंट करें। और उसके बाद जो हमने स्लीव कट की है, और ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी हमारा आधा हाफ इंच एक्स्ट्रा कट है और ये भी हाफ इंच एक्स्ट्रा कट है, ये दोनों फ्रंट में आना है। तो ज्वाइंट करते समय आप इस चीज का ध्यान रखें। आप इसलिए ज्वाइंट करने के बाद आप उसकी फिटिंग करें। जब आप फिटिंग करते हैं तो जैसे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया तो सेम आप 2 इंच में माइनस करने के बाद इसमें पूरे में निशान लगा लें 3 पॉइंट। और ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ये इस तरह से जाए तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर, और इसी तरह दूसरी साइड में भी सेम निशान लगा, निशान लगाने के इसको स्टिचिंग कर लें और सेम फोल्ड कर। और ये सिलाई के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख लें जिससे कि आपको सिलने में इजी रहे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।